तो दोस्तों, क्या आप लोग लेना चाहते हैं सैमसंग गैलेक्सी M34? तो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन में आपको क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या डिस्प्ले, क्या कैमरा, क्या बैटरी, यानी कि A to Z हम बताने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M34 के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फोन आपको 6GB रैम के साथ आपको 18,999 में ये फोन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये फोन आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि सैमसंग की तरफ से X1S 1280 आपको देखने को मिल जा रहा है इसमें। इसकी अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो मैं आपको बता दूं सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलने वाला है 6.5 इंचेस का, जिसकी रेगुलेशन की अगर हम बात कर ले तो 1080x2340 पिक्सल तक आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर हम बात कर ले तो गोरिल्ला ग्लास का V5 आपको मिलने वाला है इसमें। टच स्क्रीन की अगर हम बात कर ले मैं आपको बता दूं मल्टी टच आपको देखने को मिल जाएगा। ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो 1000 निट्स का आपको ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ। उसके साथ साथ अगर इसका वेट की अगर हम बात करें तो 208 ग्राम का इसका वेट है। कलर की अगर हम बात कर ले तो ब्लू, सिल्वर और वाटरफॉल ब्लू आपको देखने को मिल जा रहा है इसमें। मेन कैमरा की अगर हम बात कर ले तो ट्रिपल कैमरा आपको मिलने वाला है 50+8+2 मेगापिक्सल का। 50 मेगापिक्सल की अगर हम बात कर ले तो अपर्चर 1.8 वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल की अगर हम बात कर ले तो अपर्चर 2.2 अल्ट्रा वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं 2 मेगापिक्सल की अगर हम बात कर ले तो आपको माइक्रो कैमरा मिलने वाला है 2.4 अपर्चर का। उसके साथ साथ इसकी अगर इमेज रेगुलेशन की बात कर ले तो 8150 से लेकर 6150 तक आपको देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यूस शूटिंग मोड भी दिया गया है, HDR भी आपको देखने को मिल जा रहा है इसमें। 10x डिजिटल जूम आपको देखने को मिल रहा है। ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस भी आपको देखने को मिल जा रहा है इसमें। कैमरा सेटअप की अगर हम वहीं बात कर ले फ्रंट की तो मैं आपको बता दूं सिंगल कैमरा आपको मिलने वाला 13 मेगापिक्सल का अपर्चर 2.2 वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात कर ले तो 1920x1080 आपको 30 FPS पे आपको रिकॉर्डिंग करके ये फोन दे देगा, जो कि काफी बेहतरीन है। बैटरी कैपेसिटी की अगर हम बात कर ले तो 6000 mAh का आपको मिलने वाला है 25 वाट का फास्ट चार्जर के साथ। आप लोग समझ सकते हो कि आपको 6000 mAh का बैटरी लाइफ आपको मिलने वाला है, यानी कि बैटरी बैकअप काफी बेहतरीन आपको होने वाला है इस फोन में। तो दोस्तों सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि इस फोन में आपको क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्वालिटी के साथ ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोग इस फोन को लेने वाले हो, और आप लोग नहीं लेने वाले हो तो आप लोग ये भी कमेंट करके बता देना कि आप लोग क्यों नहीं लेने वाले हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।